आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कंप्यूटर को चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शॉर्टकट कीज के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरी देखने के बाद स्मार्टली तरीके से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को चला सकेंगे और अपना कीमती समय बचा सकेंगे। तो चलिए दिखाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये बात करेंगे कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए हमारा क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करता है कंट्रोल प्लस ए। तो प्रेस करेंगे हम कंट्रोल प्लस ए, देखिए हमारे सारे टेक्स्ट जो है हमने जो टाइप किए हुए हैं एमएस वर्ड पे वो सेलेक्ट हो गया। जैसे ही सेलेक्ट होगा हमारा ब्लू कलर का पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी क्या करता है, हमको हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करता है। तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे किसी भी टेक्स्ट को, जैसे हमने बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन को सेलेक्ट किया। उसके बाद इसे प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस बी, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे बोल्ड हो गया हमारा टेक्स्ट। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी बहुत ही पॉपुलर है, मोस्टली यूज करते हैं, कॉपी करता है किसी भी टेक्स्ट को। सेलेक्ट करेंगे किसी भी टेक्स्ट को, उसके बाद हम कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे और जहां हमें पेस्ट करना है तो वहां पे जाएंगे और पेस्ट करेंगे कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करेंगे। ये हमारा कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, कॉपी हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल प्लस डी। ये क्या करता है, हमारे फॉन्ट को ओपन करता है और वहां से हम सारी चीजें चेंज कर सकते हैं शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी। जैसे कि हम कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया, एक पॉपअप मेनू ओपन हो जाएगा फॉन्ट का। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसकी साइज चेंज कर सकते हैं। तो एक हम यूज कर लेते हैं, अगर अपने फॉन्ट का हमको बोल्ड करना है सेलेक्ट करते हैं, यहाँ प्रीव्यू दिखाता है, ओके करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने को जो हमारा टेक्स्ट है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद कंट्रोल प्लस डी करते हैं, यूज कर लेते हैं, उसके बाद एक सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए हमारा बोल्ड हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फॉन्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं और इसकी साइज भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अलाइनमेंट से जुड़ा हुआ है कंट्रोल प्लस ई। सबसे पहले हम जानते हैं अलाइनमेंट क्या है। फोर टाइप के अलाइनमेंट होते हैं, सेंटर होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, जस्टिफाई होता है। तो ये हमारा सेंटर का है, जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा कंट्रोल प्लस ई। एक वैसे हम यूज कर लेते हैं, हमको नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी सिलेक्शन, कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल प्लस ई जैसे ही प्रेस करेंगे ये हमारा टेक्स्ट जो हो जाएगा हमारा सेंटर में आ जाएगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, स्पेस बार यूज करते हैं सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन अगर आपको वन टाइम्स में एक ही बार में लेके आना है तो कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल प्लस एफ, ओपन फाइंड बॉक्स। कंट्रोल प्लस एफ हम प्रेस करते हैं, इसे यूज करते हैं, यहाँ पे हमारा नेविगेशन बार ओपन हो गया। यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को हम ओपन करेंगे, जैसे ही टेक्स्ट ओपन करेंगे, और किसी भी टेक्स्ट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को टाइप करेंगे। अगर कुछ फाइंड करना हुआ टेक्स्ट को, CTRL कंट्रोल, देखिए सारे कंट्रोल के क्या हो गए हमारे हाईलाइटेड हो गए। अगर पर्टिकुलरली कोई एक वर्ड यूज करना है, जैसे कि हमने यहाँ प्रेस कर दिया सी, तो सारे सी हाईलाइटेड हो जाएंगे। किस और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक वर्ड यूज करना है जैसे PASTE पेस्ट, ये देखिए यहाँ पे इसको पेस्ट को हाईलाइट कर दिया। इस तरीके से हम कंट्रोल प्लस एफ फाइंड बॉक्स ओपन करके यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज को। अब आगे आते हैं कंट्रोल प्लस आई, हमारे टेक्स्ट को क्या करता है, इटैलिक करता है। पहले से आप सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस आई। जैसे आई करेंगे यहाँ पे हमारा देखिए इटैलिक हो गया टेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे क्या करता है, ये कंट्रोल प्लस जे जो हमारा है ये अलाइनमेंट से है, जस्टिफाई करता है। तो चलिए हम इसे यूज करते हैं कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रह सकते हैं यहाँ स्पेसिंग है, यहाँ स्पेसिंग है, तो इस सारे टेक्स्ट को एक लाइन से एडजस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस जे हम प्रेस करेंगे। देखिए सारे टेक्स्ट क्या होगा हमारे एडजस्ट हो गए, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, वो स्पेसिंग हमारा क्या ले लेगा, ऑटोमेटिकली सब दे लेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के क्या करता है, हमारा टेक्स्ट को
एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक करता है, यानी कि जोड़ देता है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम में जो हम डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को यूज करना है, अगर लिंक करना है तो हम उसे यूज करते हैं कंट्रोल प्लस के। यहाँ पे बहुत सारे देखिए, कंट्रोल प्लस के प्रेस किया हमने, इंसर्ट हाइपरलिंक, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। किसी भी हम डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, इसे ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे देखिए यहाँ पे हमने जो हमारा फाइल का नेम है कंप्यूटर गोल वो ओपन हो गया। अब इस पे सिंपली क्या करेंगे, हम इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे नेक्स्ट जो हमारी है डॉक्यूमेंट वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे हमारे टैब में दो डॉक्यूमेंट ओपन है, एक ये हमारा जो ओपन किया है, एक हमारा जो लिंक किया था हमने, ये देखिए। इसके बाद के शॉर्टकट कीज़ के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आई होप सबको समझ में आई होगी ये वीडियो शॉर्टकट कीज़ के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।